नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑल टाइम आर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको डॉम्स पोस्टर कलर वर्सेस कैमल पोस्टर कलर के बीच में एक जंग देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि बिगनर्स जो होते हैं वो पोस्टर कलर ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हो या कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, सभी को पोस्टर कलर यूज करना बहुत अच्छा लगता है। दिमाग में सबसे पहला डाउट ये आता है कि कौन सा पोस्टर कलर बाय करे, कैमल का पोस्टर कलर बाय करें या डॉम्स का पोस्टर कलर बाय करें, कौन सा कलर सबसे अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करने वाली हूँ कि डॉम्स का पोस्टर कलर अच्छा है या कैमल का। तो गाइस, आज का जो थीम है वो है ट्राइबल वुमेन का। मैं एक ट्राइबल वुमेन का पेंटिंग करूंगी। गाइस, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। आज का वीडियो जो है मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जिनके दिमाग में डाउट्स है कि कौन सा पोस्टर कलर हमें बाय करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने उन सारे दोस्तों में जो पोस्टर कलर यूज करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रही हूं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस तरह से ये कितना स्मूथ है और बहुत ही एक अच्छा सा एक टेक्सचर देता है।
रहे हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि कलर को ब्लेंड करने में कितना दिक्कत हो रहा है फर्स्ट लेयर पे। तो इसके मुकाबले में कैमल का पोस्टर कलर ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। फाइनली पेंटिंग कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले आपको पेंटिंग दिखा देती हूँ। ये रहा ट्राइबल वुमेन का पेंटिंग। तो फ्रेंड्स, एक साइड पे मैंने कैमल पोस्टर कलर यूज किया है, इस साइड पे मैंने डोम्स का पोस्टर कलर यूज किया है। दोनों के बीच में आप ही देखिए कितना डिफरेंस है क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डाउट क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको दोनों कलर को बाय करना होगा और दोनों को यूज करके देखना होगा, फिर आप खुद पता कर सकते हैं कि दोनों कलर में क्या डिफरेंस है। मेरे ख्याल से डॉम्स के कलर से ज्यादा कैमल के कलर ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि कैमल के कलर जब मैं यूज कर रही थी तो उसमें एक स्मूथनेस था, एक अच्छा टेक्सचर था, बहुत ही अच्छा वाइब्रेंट कलर है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं मेरे हिसाब से बोलूं तो आप कैमल के कलर ही बाय कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास लाती रहती हूँ। बिगनर्स के लिए मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज है जो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।